कहां रोमन रेंज ने हील कैरेक्टर को छोड़ के बेबी फेस स्टाइल में प्रोमो दिया, अंडरटेकर ने क्या कहा ब्रॉक लेसनर की न्यू गिमिक को लेके, क्या बिगी का WWE करियर ओवर हो चुका है और सेथ रॉलिंस को लेके क्या प्लान्स हैं, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिगी के बारे में। हाल ही में स्मैकडाउन के एपिसोड में बिगी को एक स्कैरी इंजरी हुई, वो भी तब जब हॉलैंड ने उन्हें बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाई, जिसके बाद बॉच हुआ और बिगी अपनी नेक पर लैंड हुए, जिसके बाद तरह तरह के रूमर्स आ रहे थे कि बिगी का रेसलिंग करियर ओवर हो चुका है। बट अभी रिसेंट में उनको लेके एक गुड न्यूज़ सामने आई है, जो कि खुद बिगी ने वीडियो मैसेज के जरिए दी है और कहा है कि डॉक्टर्स ने बोला है कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उन्हें फ्रैक्चर है बट खतरा उतना बड़ा नहीं है जितना हो सकता था। बट हाँ, ये है कि बिगी इस साल का रेसलमेनिया जैसा बड़ा इवेंट मिस कर सकते हैं। वैसे अभी तक WWE के पास बिगी को लेके कुछ खास प्लान्स दिख भी नहीं रहे थे। बिगी ने फैंस को सपोर्ट करने के लिए भी थैंक्स कहा। अब नेक की वजह से पहले भी कुछ सुपरस्टार के करियर खतरे में पड़ चुके हैं, जिसमें एज, डैनियल ब्रायन, पेज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बट बिगी का करियर खत्म हो जाएगा ऐसा अभी हाल फिलहाल नहीं लग रहा है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है सेथ रॉलिंस से। हाल ही में रॉ के एपिसोड में फैंस को लग रहा था कि ये क्लियर हो जाएगा कि सेथ रॉलिंस किसके खिलाफ रेसलमेनिया में मैच लड़ेंगे, क्योंकि रेसलमेनिया में अब 3 हफ्ते का टाइम बचा है और अभी तक सेथ रॉलिंस जैसे बड़े सुपरस्टार के लिए रेसलमेनिया को लेके कोई मैच सामने नहीं आया है, जबकि वो हर बार रेसलमेनिया में बड़े मैचेस का पार्ट्स रहते थे। रूमर्स लगातार आ रहे हैं कि सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया का मैच इसलिए लेट हो रहा है कि उनका मैच कॉडी रूट्स के खिलाफ होना है और अभी तक WWE और कॉडी रूट्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चीज़ें क्लियर नहीं हो सकी हैं और अभी भी बस बातचीत ही चल रही है। वहीं हो ये भी सकता है कि WWE सेथ रॉलिंस के रेसलमेनिया के मैच को लेके माहौल बना रही हो और जितना हो सके उसको हिडन रखना चाह रही हो। लगता तो मुझे भी नहीं है कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया मिस करेंगे। चांसेस सेथ रॉलिंस वर्सेस कॉडी रूट्स के बीच रेसलमेनिया में मैच होने के अब लग रहे हैं, क्योंकि ये मैच नहीं हुआ तो फिर मुश्किल है कि सेथ रॉलिंस किसके खिलाफ रेसलमेनिया में मैच लड़ेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है ब्रॉक लेसनर से। जैसा कि समर स्लैम 2021 में ब्रॉक लेसनर ने जब वापसी करी, तब से वो अब तक एक न्यू गिमिक में दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में अंडरटेकर जैसे बड़े सुपरस्टार ने ब्रॉक लेसनर की न्यू गिमिक को लेके बड़ी बड़ी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ब्रॉक लेसनर अपने न्यू कैरेक्टर को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अंडरटेकर ने तारीफ तो करी बट उन्होंने ये भी कहा कि आज भी ब्रॉक लेसनर कभी कभी अपने पुराने कैरेक्टर में आ जाते हैं। अंडरटेकर ने यह भी कहा कि बेशक ब्रॉक लेसनर बेबी फेस टर्न कर चुके हों, बट वो अभी भी अपने अपोनेंट को सुप्लेक्स लगाना नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। अंडरटेकर बताते हैं कि ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर दूसरे टैलेंट से काफ़ी डिफरेंट है। वो कहते हैं, मेरा मानना ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने MMA में काम करा है, रेसलिंग की दुनिया में वापसी करी है। अगर आप ब्रॉक लेसनर के साथ मैच में होते हो तो ये काफ़ी फिजिकल मैच होते हैं। वो मैच के दौरान मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर पाते थे जो कि अधिकतर लोग मेरे साथ नहीं कर पाए हैं। वो काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। वहीं आपको ये भी बता दूं कि ब्रॉक लेसनर को WWE में डेब्यू करे हुए 20 साल का लंबा टाइम हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से। जैसा कि पिछले काफ़ी लंबे टाइम से रोमन रेंज एक हील कैरेक्टर में दिख रहे हैं, जिस वजह से वो अपने करियर में एक नए मुकाम पर हैं। अब जब से वो हील बने हैं तब से उनके प्रोमो भी हील वाले होते हैं, जिनमें एग्रेशन भरपूर मात्रा में होता है। बट हाल ही में रोमन रेंज एक लाइव इवेंट में दिखे, जो कि उनके होम टाउन पेंसाकोला फ्लोरिडा में हुआ था, जहां उन्होंने एक प्रोमो कट करा जो कि पूरी तरह से बेबी फेस प्रोमो था। कहीं से भी उस प्रोमो को देख के ऐसा नहीं लगा कि ये हील रोमन रेंज बोल रहे हैं। ये प्रोमो थोड़ा इमोशनल भी था, जिसमें रोमन रेंज ने कहा कि घर पर आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस जैसे कि COVID-19 पैंडेमिक लॉकडाउन की बात करते हुए रोमन रेंज ने कहा कि मैं आप सभी के सामने खड़ा हुआ हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ, इसलिए उन्होंने सबका थैंक्स भी कहा। फिर उन्होंने पेंसाकोला को लेकर काफ़ी इमोशनल बातें भी कहीं कि ये मेरा सिटी है, स्मॉल बीच टाउन है, यहाँ मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। मैं दुनिया में कहीं भी काफ़ी जगह गया बट यहाँ जैसा फील मुझे कहीं नहीं होता है। रोमन रेंज के इस प्रोमो को फैंस ने काफी सपोर्ट करा। तो ये थी WWE से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।